अरे टुंटने, तो यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? तुझे पता नहीं घर का सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरा बाप करेगा? मम्मी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ने में दो, फिर मैं काम कर लूँगी। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज रुक, मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा तुम बिल्कुल मत करना, मेरी किताबें मत जलाना। मम्मी जो तुम कहोगी वही मैं करूँगी। अब आए ना अकल ठिकाने, जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन, जहाँ कम दाम की सब्जी मिलेगी वहीं से लेना। ये ले पैसा, इसमें सारी सब्जी आ जानी चाहिए। ठीक है मम्मी, तुम तो 50 रुपया दे रही है, इसमें सारी सब्जियाँ नहीं आ पाएंगी। अरे पागल चिड़िया, अभी तो मैंने बताया जहाँ से सबसे कम दाम की सब्जियाँ मिलेंगी वहीं से लेना। चल अब जा जल्दी से, केवल जबान मत चला। जा तो रही हूँ मम्मी, तुम इतने जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगने लगता है। टुंटुने बाजार सब्जी लेने चली जाती है। भैया मुझे आलू चाहिए, जो सबसे कम दाम वाले होंगे वही देना। है ना, ये लो। और हाँ भैया, वो टमाटर भी देना, सबसे सस्ते वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी टुंटुनी को दे देता है। टुंटुनी सब्जी लेकर खुशी खुशी घर चली आती है। सब्जियाँ लाए, चल अब झोले को लेकर इधर आ। हाँ मम्मी अभी आती हूँ। और ये लो कुछ पैसे बचे हुए। अरे ये क्या, तू कैसे आलू टमाटर लेकर आई है? ये तो पूरी सड़ी हुई। मैंने तुझे कम दाम वाली लेने के लिए कहा था, सड़ी हुई नहीं। चल अब जल्दी जा और वापस करके दूसरी लेकर आ। माँ तुम्हें तो कम दाम वाली सब्जी लेने के लिए कहा था, मैं इसे बदलने नहीं जाऊँगी। तुझे तो जाना ही होगा, अगर जो तू नहीं जाएगी तो तुझे मार मार के चमड़ी उझाड़ दूंगी। एक एक पैसा कमाने में बहुत समय लगता है और तूने एक ही झटके मुझे खत्म कर दिया। अब तू बता, मैं ये सड़ी गली सब्जियाँ क्या करूँ? मैं तुझे कहती हूँ इसे लेकर जा, इसे वापस करके पैसा ले आ। ठीक है मैं जाकर देखती हूँ। टुंटुनी वापस सब्जियों को लेकर सब्जी वाले के पास पहुँचती है। भैया मैं तुमसे कम दाम वाली सब्जी कही थी, सड़ी गली नहीं। तुम इसे वापस करके मुझे पैसे दे दो। जा पिद्दी, मैं तेरे पैसा वापस नहीं करता, जा। भैया वापस कर दो ना, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। मैं कहता हूँ तू जल्दी भाग यहाँ से। टुंटुनी डरे सहमे घर वापस आती है। उस समय टुंटुनी दरवाजे पर ही खड़ी थी और उसके हाथ में डंडा था। क्या हुआ टुंटुनी, तुमने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है। उसने कहा तुझे जो करना हो कर ले, आज मेरा गुस्सा चढ़ गया, आज मैं तेरी चमड़ी उजाड़ कर ही रहूंगी। टुंटुनी टुंटुनी को डंडे से पीटने लगती है। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे चोट लग रही है, माँ मुझे मत मारो। जा, मैं तेरे हड्डी पसुड़ी एक कर दूंगी यार। टुंटुनी के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी दादी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं। क्यों रे तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताओ माँ जी, इस टुंटुनी से ढंग का एक काम भी नहीं होता, समझा समझा कर थक गई हूँ। लेकिन ये तो कुछ समझती ही नहीं है। अरे टुंटुनी बात क्या है, तुम इसे क्यों पीट रहे हो, तुम मुझे वो बताओ। ये देखिए माँ जी, अब आप ही देख लीजिए, सारी सब्जी सड़ी गड़ी लाई है, अब मैं क्या खाने में क्या बनाऊँ। अरे हाँ बहू, ये तो सारी सड़ी गली है, मैंने सुना था तू इससे कह रही थी कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए। बता, ये तो तेरी ही गलती है ना, अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जियाँ ली आती। बता इससे मासूम की इसमें क्या गलती है? दादी देखो, माँ मुझे कब से पीट रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उससे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तेरी वो माँ है, अभी गुस्सा है, बाद में फिर ठीक हो जाएगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगी। माँ जी आप ही इसे बिगाड़ रही हो, अगर अभी से पैसों की महत्व नहीं समझेगी तो दूसरों के घर जाकर क्या करेगी? बहू तू अभी से इसकी चिंता क्यों करती है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा अब तू जा दूसरे सब्जी लेकर आ, जा बेटी मैं तुझे टॉफी दिलाती हूँ। इसी तरह तीनों की नोक झोंक जिंदगी भर चलती रहती। हाँ तो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, क्या आपकी मम्मी इसी तरह से आपको भी मारती है? अगर जो आपको नहीं मारती तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।